देश में कोरोना वायरस की वजह से त्राहि त्राहि मची हुई है। गरीब परिवारों के दो वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। ऐसे वक्त पर सरकार लोगों को सरकारी लाभ देने का दावा तो कर रही है, लेकिन हर जरूरतमंद तक राहत सामग्री पहुंच नहीं पा रही। तो ऐसे वक्त पर सामाजिक संगठनों द्वारा पहुंचाई जा रही राशन सामग्री से जरूरतमंदों का पेट भर रहा है। ऐसे ही एक सामाजिक संस्था भारतीय रोटी बैंक ने हरदोई के टणियावा ब्लॉक के गांव सिहोना में भारतीय रोटी बैंक के बैनर तले टणियावा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमरेंद्र प्रताप सिंह, हरणेश पाठक, सानू टंडन व चेतन शुक्ला द्वारा गरीब जरूरतमंदों व गर्भवती महिलाओं को राशन सामग्री व हेल्थ किट बांटी गई, जिसमें हरी सब्जियां, चावल, दाल, तेल, सोयाबीन व विटामिन व कैल्शियम की दवाएं, सैनिटाइजर व मास्क बांटे गए। रुकिएगा नहीं भैया, फोटो भैया टाइल लगाओ ना, छुपाओ। हाँ राना मना चाहता है ना, ओके 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 कल हमारे पास में भैया ब्लॉक प्रमुख टड़ियामा से अमरेंद्र प्रताप भैया का फोन आया। उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक गांव है सिहोना तथा जनकपुरी करके एक गांव है, तो वहाँ पे हम लोगों ने जाकर गर्भवती महिलाओं को राशन किट तथा मेडिकल किट प्रोवाइड कराई है। हम लोग भारतीय रोटी बैंक के द्वारा लगातार जब तक लॉकडाउन हुआ है तब से हम लोग जरूरतमंदों को, पलायन कर रहे श्रमिकों को भोजन तथा राशन समय समय पर उपलब्ध कराते आ रहे हैं। आज जो राशन किटें बांटी गई हैं उसमें क्या क्या चीज़ें था और मेडिकल किट में क्या क्या चीज़ें थी? राशन किट में आलू हो गया, हरी सब्जियां हो गई तथा आटा, चावल, दाल, तेल, इस तरीके से राशन किट में हो गए। मेडिकल में ये सैनिटरी पैड थे तथा सैनिटाइजर है, मास्क है तथा विटामिन टेबलेट हैं। इसी प्रकार से कुछ जरूरतमंद क्या क्या कैसे किया गया? जिस प्रकार हम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी से गरीबों और असहाय लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, और हमारी कुछ कोरोना योद्धाएं जो जमीनी स्तर पर सामाजिक संस्थाएं जैसे भारतीय रोटी बैंक जैसी कई संस्थाएं जो जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं, तो मुझे दो तीन दिन पहले मुझे पता चला कि कुछ गर्भवती महिलाएं जनकापुर और सिहोना में हैं, तो हमने इनसे आग्रह किया कि आप लोग अगर उनकी कोई मदद कर सकते हैं तो त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोगों ने उनसे बोला कि हमसे संपर्क किया और हमसे कहा उन्होंने कि हम जो है आप जो बताएंगे वो सहयोग हम प्रदान करेंगे। तो उस हिसाब से इन लोगों ने कच्चा राशन की किट, स्वास्थ्य किट उपलब्ध कराई, मास्क वितरण और मास्क वितरण कहाँ किया गया और कई सैकड़ों मास्क जो हैं ये लोग जमीनी स्तर पर पिछले दो महीने से कार्यरत हैं और समाज सेवा में अपना दिन रात ये लोग खपा रहे हैं। तो मैं तो इन लोगों को पहले तो वंदन उच्चारण अभिनंदन इनका करता हूँ। और ब्लॉक स्तर, ब्लॉक में आके ब्लॉक परिसर में भी इन्होंने जो है ब्लॉक स्टाफ को और अन्य जरूरतमंदों को मास्क वितरण किया। और क्या कार्य किया यहाँ पे? आज हम लोग टणियावा ब्लॉक में अमरेंद्र प्रताप भैया की सूचना पर गर्भवती महिलाओं के लिए राशन किट तथा मेडिकल किट वितरण की जिनको जरूरत थी, और साथ में टणियावा ब्लॉक पर अमृत भैया के साथ में मास्क वितरण करीब 800-900 लोगों को मास्क वितरण किया गया तथा उनको सैनिटाइजर दिया गया कि आप अपना बचाव अपने आप करें। और भारतीय रोटी बैंक के बैनर तले ये सूचना प्राप्त हुई अमृत भैया के द्वारा, जिससे हम लोग ने कार्यक्रम आज सफल किया।